आइंदा दो दिन मुल्की सियासत में अहम। वजीर आजम इमरान खान खुद भी सरगर्म हो गए। आज और कल अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों का फैसला। तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे, फहरिस्तें तैयार। अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ रामाबाज शोबाज। ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा, इनका शिकार होगा। ये मेरी हुकूमत गिराने निकले हैं, मैं उनका शिकार करूंगा, एक गेंद में तीन विकेटें गिराऊंगा। इमरान खान का लोयर दीर जलसे से खिताब। बोले, जान जाती है तो जाए, एनआरओ नहीं दूंगा। मौलाना से मुतालिक आर्मी चीफ ने क्या कहा, जवाब क्या दिया? वजीर आजम ने ये भी बता दिया। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं। आता हूँ, कुरान की आयत है, जब अच्छा बुरा होता है, अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अपोजिशन हुकूमत कैसे गिराएगी, नंबर्स तो इनके पास हैं ही नहीं। वजीर आजम का सवाल, कहा यहां नोटों के थैले चल रहे हैं, कौम के सामने तमाशा हो रहा है। इमरान खान ने बिलावल के जुमले कांपें टांग रही हैं पर तबसरा भी किया। नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपें टांग रही हैं। मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं, इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया, वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपें टांग रही हैं, कांपें टांग रही हैं। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला, बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, क्या आप न करें ऐसा, कि खजान जाए बाहर आए ना आए। अदम एतमाद नाकाम हुई तो भी हुकूमत चलने नहीं देंगे, मामला सड़कों पर जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने एक्शन प्लान बता दिया, बोले बाहर आए ना आए बस खजा जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारा मुंह मत खुलवाओ, जबान को लगाम लगाओ, हम भी जवाब देना जानते हैं। अलीमा खान पर भी तनकीद की। वार्निंग देना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, अपना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। तहरीक अदम एतमाद से पहले जोड़ तोड़ की सियासत जोरों पर। जहांगीर तरीन ग्रुप से हमजा शहबाज का राबता, इब्तदाई मामला तय पा गए, जल्द मुलाकात होगी। पीएमएलक्यू और पीटीआई जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं पीएमएलक्यू की काफी हद तक दूर कर दी हैं, जो छोटी मोटी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। काफ लीग के तहफ्फुज़ात दूर कर दिए, मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई एक पेज पर हैं। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का बड़ा दावा, काफ लीग ने फवाद चौधरी का दावा मुस्तरद कर दिया। तारिक बशीर चीमा कहते हैं, वज़ीर इत्तला'आत से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ पे का ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू हुई। गुजरात में कारकुनों से खिताब करते हुए चौधरी वजाहत हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुक्मरानों के साथ चलते हुए 3 साल हो गए, जहां इज्जत ना हो वहां रहने का कोई जवाब नहीं। इसमें कभी चौधरी शुजात को नैब ने बुला लिया, कभी चौधरी परवेज लाई को नैब ने बुला लिया, कभी मोहन सलाई को बुला लिया नैब ने। ये तो इनके मेरे बुजुर्गों की हिम्मत है कि उन्होंने 3 साल इसके साथ निकाल दिए।
FIA का कराची एयरपोर्ट पर एक्शन, लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर गिरफ्तार। सरकारी अराजी पर कब्जे, बेनामी जायदादों के मुकदमात हैं। मरियम औरंगजेब की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा गिरफ्तारी तहरीके दम एतमाद में हुकूमती शिकस्त का सबूत है। भारत का मिसाइल सिस्टम नाकारा, भांडा फूट गया। पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर चला था, भारत ने एतराफ कर लिया, गलती मान ली, माफी न मांगी। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल फायर हुआ। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा एटमी मुल्क पर मिसाइल बरसाना गैर जिम्मेदारी की इंतहा है, गैर जिम्मेदार मुल्क कैसे एटमी सलाहियत रख सकता है। दुनिया भर में कोरोना दम तोड़ने लगा, खाना काबा और रोजा रसूल में पाबंदियां खत्म, रौनकें लौट आईं। हरम पाक में नमाज फजर के रूह परवर मनाजर, इस साल तमाम मुल्कों से आजमीन को हज की इजाजत होगी। इन्ना फिस समावाति वल अर्दि लायातिन लिल मुमिनीन वफी खल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन यूक़िनून। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.5% तक आ गई, 24 घंटे में 36,885 टेस्ट किए गए, 571 मुस्बत निकले, पहले से जेर इलाज 6 मरीज इंतकाल कर गए। फिजाई सरहदों का निगेबान दस्ता मजीद ताकतवर हो गया, जदीद तरीन लड़ाका J-10C तैयारे, पाक फिजाइया के बेड़े में शामिल। कामरा एयरबेस पर शानदार तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म J-10C की फ्लाइंग सीट पर बैठे, तैयारों की घन गरज ने दुश्मन के दिल दहला दिए। दौड़ लगाती खवातीन, बाइक पर स्टंट्स दिखाते नौजवान। लाहौर में मोटरवे पुलिस का स्पोर्ट्स फेस्टिवल, शुरका ने खूब हल्ला गुल्ला किया, सकाफी रक्स ने समा बांध दिया, IG मोटरवे पुलिस भी झूम उठे।